प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिटनेस फाइटर के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि सर न्यूट्रिशन के बारे में बताओ। तो आज हम लोग ने डिसाइड किया है कि आज के दिन आप लोगों की ये चाहत पूरी की जाए। तो मैं और हरमीत सर दोनों जन बताने वाले। मोंटू, आप बोल रहे थे कि बहुत सारे सवाल आए न्यूट्रिशन के ऊपर में, तो वो क्या क्या सवाल थे? तो सर, फर्स्ट सवाल है कि प्री वर्कआउट में और पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना चाहिए। प्री वर्कआउट ये है कि आप एक्सरसाइज से पहले क्या खाते हो, और पोस्ट वर्कआउट ये कि आपको एक्सरसाइज से पहले बाद में क्या खाना चाहिए। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है, आप जरूर गौर कीजिए। आप जब भी एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप खाली पेट मत करिए। खाली पेट तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, तो आपको एनर्जी नहीं आएगी, आपका मसल लॉस जो है ना वो जल्दी होने चालू हो जाएगा। आप कुछ खाइए, आप कार्ब्स खाइए, आप सिंपल भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स भी चलेगा, दोनों चलेंगे। तो या आप बनाना ले सकते हो, या आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हो खाने के लिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जो आप इंटेक कर सकते हो एज ए एनर्जी, तो वो सब क्या आपको एनर्जी के यूज़ में आएंगी, तो जिससे आप वर्कआउट जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक कर पाओगे। जब भी आप जिम में जाते हो, जो पहले जो 15-20 मिनट रहते हैं, आपका जो है बॉडी का ग्लूकोज वर्क होता है। ग्लूकोज कैसे, आप कार्ब्स जो अब्जॉर्ब करती है बॉडी, वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाती है, वो ग्लूकोज में तब्दील होती है। आपकी इंटेंसिटी अगर ज़्यादा है, तो 15 मिनट के बाद वो ग्लूकोज ख़त्म होकर आपके प्री वर्कआउट लेवल में आपकी बॉडी चले जाती है। फिर जाती है बॉडी, जाती है फैट बर्निंग जोन में। तो अगर आपने न्यूट्रिशन नहीं लिया रहेगा, तो ग्लूकोज के बाद में डायरेक्ट फैट बर्निंग जोन से सीधा आपका मसल लॉस होना चालू हो जाता है। तो वो जो बीच का जो पैच जो है प्री वर्कआउट का, जो हम जो इंटेक कर रहे हो, वो पैच में जो वो जाएगा ही नहीं। तो न्यूट्रिशन पहले बहुत ज़रूरी है। कार्ब्स आप इंटेक करिए, और एक्सरसाइज के बाद में आपको सिंपल कार्ब्स भी लेने हैं और प्रोटीन्स भी लेने हैं। सर, तो प्री वर्कआउट में आपने जो न्यूट्रिशन बताया है, तो वो कितने देर पहले लेना चाहिए? डिपेंड है कि आप कितना हैवी मील ले रहे हो। ज़्यादा हैवी मील लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाना इंटेक कर रहे हो, तो 2-3 बनाना आप ले लीजिए, अराउंड 45 मिनट्स to 1 आवर। अगर आप ब्रेड वगैरह ऐसा कुछ कंज्यूम कर रहे हो, तो अराउंड 30 मिनट्स to 45 मिनट्स वो प्री वर्कआउट आपको लेना ज़रूरी है। लेकिन खा के आप कुछ एक्सरसाइज करिए, खाली पेट आपको एक्सरसाइज नहीं करना है कभी भी। सर, तो पोस्ट वर्कआउट में क्या खाना चाहिए? पोस्ट वर्कआउट मोंटू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको मालूम है। हम वर्कआउट करते हैं लेकिन बराबर न्यूट्रिशन नहीं कर पाते, तो इसलिए आपका मसल साइज नहीं बनता। मसल्स को क्या चाहिए गाइस? प्रोटीन्स, कार्ब्स दोनों चाहिए। आप प्रोटीन्स लीजिए, प्रोटीन्स बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली ही जाता है। अगर आप हार्डकोर ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आपकी बॉडी वेट इनटू 2 उतना आपको प्रोटीन्स चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक जगह पे खड्डा खोदा, आपके मसल्स है, उन्होंने खड्डा खोद दिया, आपके मसल्स सेम है, आपने उसे ढक दिया, वो रिपेयर तो अपने आप ही हो जाता है, लेकिन उसे बढ़ाना है। आपको एक नींव रखनी है, आपको नींव रख के उसे बढ़ाना है, तो ज्यादा माल लगेगा कि नहीं? तो प्रोटीन्स भी ज्यादा ही लगेगा। अगर आप बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन, तो नॉर्मल जो एक्सरसाइज नहीं करते उनके लिए चाहिए, क्योंकि वो दिन भर में अगर काम करे तो मसल्स के वेरेंटर तो ऐसे हो रहे। तो ये बात पे आप गौर दीजिए। बॉडी वेट इंटू 2 जो है प्रोटीन्स चाहिए, और बॉडी वेट इंटू 2 कार्ब्स चाहिए। सर, आपने जैसे बोला कि प्रोटीन में लेना चाहिए, तो उसमें हम लोगों को प्रोटीन किसमें मिलेगा? प्रोटीन सबसे पहले तो एनिमल प्रोडक्ट है, उसमें मिलेगा। हाँ, तो सर जो वेज है? हाँ, वेज भी है। वेज में हमारे आगे सोयाबीन्स आ गए, सोया चंक्स आ गए, ब्रोकली आ गई, चौली आ गई है, सोयाबीन आ गई है। हर एक बीन्स जो है उसमें प्रोटीन्स है। आप स्प्राउट्स ले सकते हो, फिर आप मिल्क ले सकते हो, आप पनीर ले सकते हो, ये जो है सब वेज सोर्सेज है। सर, तो जो भीगा हुआ चना रहता है, उसमें प्रोटीन मिलता है? ऑफ कोर्स रहता है, उसमें आयरन भी है, उसमें प्रोटीन्स भी है। तो जो चने की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो आप ध्यान रखिए, जो भिगा हुआ अंकुरित चना, तो उसमें ज्यादा प्रोटीन्स है। तो वो है, पनीर है, मिल्क है, कर्ड है, ये सब जो है वेज प्रोटीन के सोर्सेज है। और अगर हम लोग नॉन वेज से स्टार्ट करें, तो अंडा जो है सबसे सस्ता प्रोटीन्स है। एक होल एग में 6-7 ग्राम्स आता है विद योक। तो अगर जिनको वेट गेन करना है, तो आप योक भी खाइए। फिर चिकन है, फिश है, तो ये सब चीजें जो है प्रोटीन से भरी हुई चीजें। तो सर, अंडे में जो येलो कलर का भाग होता है, उसे खाना चाहिए कि नहीं खाना? जरूर खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स है, गुड फैट्स है, वो बहुत जरूरी है।
उसे आप एक्सरसाइज से पहले खाएंगे तो ज्यादा ज्यादा बेटर रहेगा। सर देखा है कि बहुत लोग नहीं खाते उसे, तो उसमें देखिए ये एक रूमर्स बने हुए हैं कि उससे आपका वजन बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बाहर जाके डिनर कर रहे हो रेस्टोरेंट में, तो उससे तो वो बेटर फैट्स है, उसे तो काफी बेटर फैट्स है। आप यॉक लीजिए, यॉक इज ए गुड फैट्स। वो जो है आप प्री वर्कआउट भी यूज करिए, पोस्ट वर्कआउट भी यूज करिए, उसमें 3 ग्राम प्रोटीन है भैया, आप वो जरूर लीजिए। मैं ज्यादा भी मत लीजिए क्योंकि वो थोड़ा गर्म भी रहता है। तो अगर आप दिन में अगर 10 बॉइल्ड एग्स खा रहे हो तो उसमें से आप 4 या 5 खा सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो सर और एक सवाल आया थे कि सर मैं दुबला हूँ तो मुझे क्या लेना चाहिए, मुझे वेट गेन करना चाहिए तो मुझे क्या लेना चाहिए, ऐसे सवाल आए थे। ओके ये बहुत अच्छा सवाल है, सवाल मुझे भी आया था तो मैंने उनको शायद कमेंट भी किया था कि हम आपको डाइट जल्दी बताएंगे। तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि आपको कैलोरी इंटेक ज्यादा करनी है। आप जूस लीजिए, फ्रूट जूस लीजिए, बनाना शेक्स लीजिए, आप हैवी मील्स लीजिए, आप दिन में 6 मील लीजिए। और उससे बड़ी बात, आप मसल ट्रेनिंग करिए। मसल ट्रेनिंग से आपकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, आपके मसल्स गेन होने चालू होंगे अगर उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। सर तो मील्स में क्या क्या होना चाहिए? मील्स देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, आप डिनर जो है ज्यादा मत करिए, डिनर जो है उसे कम पे ही एंड करिए। वो उसका चार्ट ऐसे जाएगा, आप डिनर आपको आपको जो है ब्रेकफास्ट हायर से लोअर पे आना है। जिनको वेट गेन करना है 6 मील आपको जरूरी है लेना। आप मॉर्निंग में स्टार्ट कर सकते हैं, आप इडली ले सकते हैं, आप प्लेन डोसा ले सकते हैं, आप नॉर्मल रोटी भी खा सकते हैं। देखिए ये उनके लिए है जो वैसा न्यूट्रिशन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो हो गया। आप सेकेंड मील पर अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट कर रहे हो तो आप कुछ खा के वर्कआउट करिए, आप खाली पेट मत करिए, आपका मसल लॉस होगा, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ अभी इसी वीडियो में। दूसरी चीज, एक्सरसाइज से बाद जो है आपको अच्छा मील लेना बहुत जरूरी है, सिंपल कार्ब्स और प्रोटीन्स में। तो सिंपल वो भी मैंने आपको बता दिया, आप बनानास भी ले सकते हो, ब्राउन राइस ले सकते हो, फिर आप जो आपका जो दोपहर का या रात का मील आप नॉर्मल मील लीजिए जो आपके होम मेड है, उसमें थोड़ा आप सैलड ऐड कर लीजिए, कर्ड ऐड कर दीजिए, वो एक प्रोटीन्स आ रहा है, फाइबर्स आ रहा है। फिर आप इवनिंग मील में चले जाइए, आप सैंडविच वगैरह ले सकते हैं, बॉयल्ड एग्स ले सकते हो, बॉयल्ड चिकन है तो बॉयल्ड चिकन भी ले सकते हो, क्योंकि प्रोटीन्स बहुत जरूरी है आगे आगे आपकी मसल्स रिकवरी के लिए। रात में आप कार्ब्स कम खाइए, नहीं तो आपकी जो टोन निकलनी चालू हो जाएगी अगर आप हैवी कार्ब्स राइस वगैरह वो सब ले रहे हो तो। रात में आप प्रोटीन्स पे और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स पे आप एंड कर सकते हैं। फ्रूट्स तो आप मत ही लीजिए वो टाइम पे रात में, क्योंकि रात में तो मुझे लगता नहीं किसी एनर्जी की जरूरत है। एनर्जी की जरूरत है मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में, आफ्टर एक्सरसाइज में, तो वहां पर आपको लेना है। आप प्रोटीन्स पे आप एंड कर दीजिए। और बहुत से लोग मैंने ये देखा है कि रात में डिनर हैवी करते हैं और ब्रेकफास्ट सुबह नहीं करते, वो गलत है। मैं काफी सर्वे कर चुका हूँ, ब्रेकफास्ट ही नहीं करते आप लोग। मेरे काफी सारे सवाल भी आए थे, मेरे जिम के मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें मॉर्निंग में भूख नहीं लगती। भाई साहब आप डिनर जल्दी कर लीजिए, थोड़ा करिए, तो ब्रेकफास्ट तो ऑटोमेटिक ही आपको जो है भूख लगेगी। तो वैसा है कि हम लोग कंटिन्यूस रात को 8-9 घंटे सो जाते हैं, तो वो ब्रेकफास्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट मील है। आपका ब्रेकफास्ट ही अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो आपके मसल जो आपको रिजल्ट चाहिए आपको नहीं मिलेंगे, भले आप वेट लॉस में हो या वेट गेन में हो। मील होना बहुत जरूरी है, मील स्किप भी नहीं करना है और ओवर ईटिंग भी नहीं करनी है, आपको प्रॉपर मील लेना बहुत जरूरी है, तो ये आप ध्यान में रखिए। और मोंटू और बोलिए, और कोई आपके मन में कुछ सवाल है या कुछ कमेंट्स वगैरह आए तो बताइए मुझे। तो सर और एक सवाल आया था कि सर मैं बहुत मोटा हूँ तो मुझे वेट लॉस करना है तो मैं क्या डाइट ले। डाइट तो 70% तो डाइट ही है, 80% ही पकड़ के चलिए आप। मील आपको उतने रखने, आपको कैलोरी इंटेक कम करना है, आपको बनानास नहीं लेने हैं, आपको ऐसी और कोई चीज़ नहीं लेनी है मीठी चीज के जिससे आपका वेट बढ़े। आप लो कैलोरी फूड लीजिए, आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लीजिए, आप वीट, आप जो है ब्राउन ब्रेड लीजिए, आप ओट्स खाइए, आप कॉर्नफ्लेक्स खाइए, आप ये सब चीज़ें ज़्यादा लीजिए। आप प्रोटीन्स भी ले सकते हो, अब एग्स अगर आप खा रहे हो तो एग्स में वाइट खाइए, आप येलो थोड़े से कम खा लीजिए, प्री वर्कआउट आप खा सकते हो एनर्जी के लिए, और या फ्रूट्स भी खा सकते हो बिफोर एक्सरसाइज। आफ्टर एक्सरसाइज आप एकदम नॉर्मल मील रखिए, अगर आप रोटी खा रहे हो तो रोटी में आप घी मत लगाइए, नॉर्मल मील रखिए, वेजिटेबल रखिए, दाल रखिए, कर्ड ऐड करिए, सैलड तो आप ऐड करिए ही दिन में 2 बार। शाम का आपका मील ऐसे जाएगा कि अगर आपको कुछ भूख लग रही हो
तो आप वापस से बॉइल्ड एग्स खा सकते हो, आप वेजिटेबल सैंडविच खा सकते हो जिसमें आपको पटेटो नहीं डालना है, आपको बटर भी नहीं लगाना है। आप पीनट बटर लीजिए, पीनट बटर में प्रोटीन्स है, आप वो ऐड कर सकते हो। आप शाम में वेजिटेबल्स खा सकते हो, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, और रात में आप जितना हो सके कम खाएंगे ना, आप पे रिजल्ट्स फास्ट है। और बाकी जो ऑयली स्टफ जो है वो भी आप मत खाइए, घी वाला आइटम भी मत खाइए, उसे बंद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैलरी वाले फूड आप बंद कर दीजिए। एक सिंपल जो है, एक सिंपल डाइट रखिए। वर्कआउट तो बहुत ज़रूरी है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को लिफ्ट करने के लिए वर्कआउट बहुत ज़रूरी है। वर्कआउट करिए, ऐसा डाइट प्लान आप करिए, आप में ज़रूर रिजल्ट्स आएंगे। देखिए एक और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। देखिए बहुत सारे लोगों को बाहर का खाने की आदत है, तो इतनी जल्दी तो आदत छूटेगी नहीं। तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप रोज़ के रोज़ खा रहे हो तो उससे पहले हफ्ते में 3 दिन आप छोड़ दीजिए। 3 दिन छोड़ के 3 दिन घर का खाना खाइए, आप एक्सरसाइज स्टार्ट करिए। एक्सरसाइज करने से बॉडी में पॉजिटिव वाइब्स बढ़ते हैं, आपकी एनर्जी लेवल जो है वो आपको मॉर्निंग में ऐसा फील होएगा, एनर्जेटिक फील होएगा, यू विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव। ये एक्सरसाइज के कुछ फॉर्मूलेज है। बाकी इसमें ऐसा है कि अगर आपको फास्ट फूड छोड़ना है, पहले 3 दिन छोड़िए, फिर बाद में और एक दिन छोड़िए, फिर और एक दिन छोड़िए, और एक दिन छोड़िए। मैं किसी फास्ट फूड वाले या रेस्टोरेंट वाले का नुकसान नहीं करना चाहता, बट मैं सही सलाह देना चाहता हूँ कि उसमें काफ़ी सारा ऑयल, घी, ये सब है। ओकेजनली आप जाइए, नो प्रॉब्लम। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप अच्छे शेप में आ रहे हो, आपके रिजल्ट आ रहे हो, तो वंस इन अ वीक इज गुड। आप जाइए अपने दोस्तों के साथ, इंजॉय करिए, वंस इन अ वीक इज फाइन। तो उम्मीद हो दोस्तों आप लोगों के सवाल के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट के रूप में बता सकते हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लाइक करोगे तो हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा, और आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज हम बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, इस फिटनेस फाइटर चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब कर दियो तो नोटिफिकेशन बेल तो दबाना नहीं भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल दबाओगे तो ही आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप लोग हमारे वीडियोस देखते रहेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को ऐसे ही फॉलो करते रहिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स, स्टे फिट, स्टे ऑसम। मिलते हैं अगले वीडियो में।